तो हर कोई चाहेगा कि वापस जो है कारोबार शुरू किया जाए। और फिर ये प्रोविंशियल और जो जिले इंतजामिया है, अब ये किस तरह डिफाइन करेंगी कि किन किन शोबों ने काम करना है और वो कौन से शोबे होंगे? बहुत शुक्रिया नीलम। देखिए, आई थिंक ये पूरे इस सिनेरियो में समथिंग समथिंग बिग इज मिसिंग। गवर्नमेंट इस चीज़ को रियलाइज कर ही नहीं रही, और मैं बिल्कुल खुदा गवाह है कि मैं इसको सियासी पस मंजर में देखना नहीं चाहता, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में देख रहा हूँ, मेरे बहुत लोग जहाँ जानने वाले हैं, और जिस तरीके से अगर आप इनको किसी, बल्कि आपको ये करना चाहिए अगर आप कर सकें आज नहीं तो नेक्स्ट टाइम, आप किसी न्यूयॉर्कर जो है ना पाकिस्तानी उसको लाइन पे ले आएँ और उसकी जो है थरथराती आवाज़ जो है वो आपको बताएगी वो लोग वहाँ पे कितने खौफजदा हैं। ये यहाँ पे एक जनरल इंप्रेशन गवर्नमेंट ने दे दिया है कि नो एवरीथिंग इज़ ओवर, 21 दिन हो गए, अब चीज़ें ठीक हो रही हैं और हम जो हैं वी आर गोइंग आउट ऑफ इट, इसलिए अब आहिस्ता आहिस्ता आप करें और जो करेगा नहीं तो हम दोबारा ला सकते हैं, लेकिन वी आर गेटिंग। और हर बंदे का इंप्रेशन ये है पंजाब में ख़ास तौर पर कि यार ये सातवरण खोल लिया, आप भी खोल ले, कोई नहीं कुछ नहीं कह रहे, वो चीज़ें ठीक हो गई हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, हमने को बचपन में जो इंजेक्शन लगाते रहे हैं उसकी वजह से हम जो है वी आर नॉट गेटिंग इफेक्टेड। ये सब फॉल्स स्टोरी लोगों को बता के, मुझे ये बताइए कि खुदा न खास्ता अगर हम उस जोन में चले गए जबकि ये हर घंटे के बाद डबल होता है तो उसकी जिम्मेदारी किस पे देंगे आप? यानी सिर्फ इसके लिए इसको कंट्रोडिक्ट किया जा रहा है। हर मुल्क जो है, मैं समझता हूँ कि ये वक्त तो गुजर जाएगा और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हमारा कम से कम नुकसान हो, ये मेरी दुआ भी है और मैं उम्मीद भी रखता हूँ, लेकिन इसके हो जाने के बाद तारीख में ये लिखा जाएगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किस मुसीखा खेज अंदाज में इतनी बड़ी सीरियस आफत को अंडरटेक किया और किस तरह मजाक उड़ाया और किस इजी तरीके से इसको लिया और जिसकी वजह से ये तमाम नुकसान हुए।